with respect to जो फ्रेज है इसको इस्तेमाल करते हैं जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं के हवाले से या के बारे में ठीक है जिस भी टॉपिक के बारे में आपने बात करनी होती है तो विद रिस्पेक्ट टू फिर उस टॉपिक को मेंशन किया जाता है और फिर उसके बाद जो भी उसके बारे में बात करनी होती है उसको मेंशन किया जाता है आपको भी समझ में आएगा सेंटेंस में जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वेस्ट ठीक है आपने यहाँ बात करनी है किसी ने जो रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में ठीक है क्या आप हाँ जी वो जो आपने दरखास्त दी थी या आपने जो रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में ये बात है तो ये कहने की वजह कि भाई आपकी रिक्वेस्ट के हवाले से यह बात है तो कह दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वेस्ट फिर आगे जो भी आपने बात कहनी है वो कह दी जा कह दी जाती है ठीक है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन अप्रूव्ड कहीं पर किसी ऑफिस में किसी ने कोई दरख्वास्त दी और वहां का मैनेजर या जो भी वहां पे बैठा हुआ जो भी कंसर्नड पर्सन है वो कह रहा है कि जी विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन या विद रिस्पेक्ट टू योर रिक्वेस्ट जो आपने मतलब रिक्वेस्ट की थी या एप्लीकेशन जो भी दी थी वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू कि हम बड़े खुश हैं जी आपको बताने के लिए कि वो अप्रूव हो गई है जी ठीक है इसी तरह से जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन मतलब अब आपने जो उसने सवाल पूछा उसके बारे में बात करनी है तो आप कह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन मतलब कि आपने जो सवाल पूछा था ना ऐसे करके जब हम बात करते हैं तो ये वो है चीज कि विद रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन आपने जो सवाल पूछा था यस आई कैन हेल्प यू विद दैट हाँ मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ ठीक है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था यस आई कैन हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग स्केड्यूल ठीक है मीटिंग का जो स्केड्यूल है उसके बारे में जो भी आपका कंसर्न जो भी है जो भी आप पूछना चाह रहे हैं जो भी मीटिंग के जो स्केड्यूल के बारे में जो आपने पूछा तो उसके बारे में क्या बात है प्लीज कंफर्म योर अवेलेबिलिटी के अपनी प्लीज अवेलेबिलिटी को कंफर्म कर दीजिए मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू द मीटिंग मीटिंग स्केड्यूल के मीटिंग के स्केड्यूल की जहां तक बात है तो काइंडली आप अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर देंगे मतलब कि आप कंफर्म कर दें कि आप उस मीटिंग uh, में जो है वो आ रहे हैं आप अवेलेबल हैं आप अटेंड करेंगे ठीक है तो जिस भी टॉपिक के बारे में बात करनी होती है उसको मेंशन करते वक्त ना विद रिस्पेक्ट लगा दिया जाता है और फिर उस टॉपिक को mention करके और फिर उसके बाद जो उस बारे में अपनी कहना होता है उसको कहा जाता है ठीक है ये तो हो गया जी विद रिस्पेक्ट टू अब आ जाते हैं जी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ बी सेम है जो मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू बताया है अब इसके भी इसका भी यूज हम सेंटेंसेस में देख लेते दोनों का सेम मतलब है डिफरेंस क्या है आगे बताती हूँ अभी इतना समझ लीजिए कि जब सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो सेम ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं इनमें एक डिफरेंस भी है जो आगे बताती हूँ मैं आपको द कंपनीज पॉलिसी इज क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्चुअलिटी एंड अटेंडेंस मतलब हमने यहाँ पर मेंशन करना है पंक्चुअलिटी को कभी लोग पंक्चुअल हो, छुट्टी कोई नहीं कर रहा है अटेंडेंस के मामले में ठीक है लोग जो है ना मतलब पंक्चुअल हैं अटेंडेंस टाइम पर आते हैं और उनमें से कोई उनकी अटेंडेंस भी पूरी है कोई छुट्टी भी नहीं कर रहा है तो वो कह रहे कि जी उसके बारे में जो कंपनी की जो पॉलिसी है वो क्लियर है ठीक है तो जब उसके बारे में बात करनी है कि वो क्लियर है तो कहा जा रहा था कम, वहां पर हमने यूज कर लिया इस फ्रेज को इन रिस्पेक्ट ऑफ पंक्चुअलिटी मतलब इसको फ्रेज के दरम्यान में भी यूज कर सकते हैं ठीक है वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच कि अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसके बारे में ठीक है ना के बारे में के हवाले से कि सेंस इन दोनों फ्रेजेस की बनती है तो वो यार इन्वेस्टिगेटिंग के मतलब हम तफ्तीश कर रहे हैं इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसेंट बजट कट्स जो अभी बजट जो भी किसी कंपनी को को बजट है उसमें कोई कट्स वगैरह हुए हैं ठीक है तो वहां पे कह रहे हैं कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसेंट बजट कट्स के जहां तक जो भी रिसेंट जो बजट कट्स हुए हैं उसकी जहां तक उसका ताल्लुक है उसके बारे में जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं वी हैव हैड टू रिड्यूस अब वर्क फोर्स हमें हमारी वर्क फोर्स जो है वो रिड्यूस करनी पड़ी मतलब बहुत से लोगों को कंपनी में से निकालना पड़ा है ठीक है एम्प्लॉयज को कम करना पड़ा है। अब देख लेते हैं जी डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि दोनों फ्रेजेस जो है ना वो फॉर्मल है लेकिन जो इन रिस्पेक्ट ऑफ है ना ये ज्यादा फॉर्मल है ठीक है और ये जो है ना लीगल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जो है ना वहाँ पर यूज होती है विद रिस्पेक्ट जो जो है वो आप वो भी फॉर्मल है लेकिन हम जो नॉर्मली उनको इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों ही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में इस्तेमाल होती है लेकिन जो है Um, मतलब उसको विद रिस्पेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ जो है ना ये ज़्यादातर लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फॉर्मल है तो उधर इस्तेमाल होती है बस ये इन दोनों फ्रेजेस में डिफरेंस है आई होप कि आपको आज का लेसन जो है वो क्लियर हो गया होगा और आपको किसी तरह से कोई और फ्रेजेस कन्फ्यूज़ करती हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी आपके लेसन बनाती जाऊंगा एस यू नक्सन हाफिस